नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एफटी एकेडमी स्टडी इन फाइनेंस। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है, ये जो वीडियो है, आप सभी को अभी तक पता लग चुका होगा कि किस तरह से एसएससी और रेलवेज के बच्चों के साथ जो अभी तक गलत चीज़ें हुई हैं, तो उनके अगेंस्ट में सभी बच्चे, सभी टीचर्स, सभी फैकल्टी, सभी कोचिंग्स इकट्ठे हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और एक शांतिपूर्ण और एक बढ़िया आंदोलन बच्चों की तरफ से रन किया जा रहा है एंड दैट इज़ टोटली सपोर्टेड बाय फैकल्टीज एज वेल। ठीक है, हालांकि हम बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली बैंकिंग को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, इन सब में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सबका जो बैकग्राउंड होता है, सब लगभग सब कुछ सेम होता है। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम का वो काफ़ी हद तक इन सभी एग्ज़ाम्स में कह सकते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, लेकिन एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले भी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे घर के ही मेंबर लोग हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि उनको भी किसी तरह की तकलीफ हो। और 2018 से जो एसएससी का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है, तो उसके लिए एक जेन्युइन रिक्वेस्ट बच्चे करना चाहते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया है, तो मैं खुद अपनी तरफ से जो सपोर्ट है हम करना चाहते हैं और मैं अपने जुड़े हुए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिन में कम से कम एटलीस्ट एक ट्वीट, मिनिमम एक ट्वीट आप प्लीज़ अपनी तरफ से करें। और ट्वीट करते समय ये जो हैशटैग्स हैं, जो दो लिखे गए हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, रेलवेज नहीं है दोस्तों, रेलवे स्टूडेंट्स, ओके, और एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, ये आज का स्पेशल कैंपेन है जो 11 बजे से शुरू हुआ और बच्चे इसको लगातार इस पर मैसेजेस और इस पर ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, कोई अगर ऐसा सोचता है कि यार वो ट्विटर यूज़ नहीं करता, तो एक दिन प्लीज़ डाउनलोड करिए। ट्वीट करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, नॉर्मल अकाउंट की तरह है, जैसे आप फेसबुक और यूज़ करते हो। जब आप कोई नया ऐप आता है, हम उसको सीख ही लेते हैं ना, कई बच्चे जब पबजी वगैरह खेलते मास्टर बने हुए हैं उन चीज़ों के, तो वो जब इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप पकड़ लेते हो, तो ये तो बहुत आसान है। ट्विटर इज़ वेरी सिंपल। इसमें मैसेज करने के लिए एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ मैसेज नहीं करना होता, इसमें हैशटैग यूज़ करने होते हैं, तो आपको ये दोनों हैशटैग यूज़ कीजिएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये दोनों हैशटैग आपको यूज़ करना है और इनको ट्रेंडिंग नंबर वन रखना है कुछ दिनों तक लगातार। ठीक है, ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट उनके मुद्दों पर बात करे। ठीक है, और इन एग्ज़ाम में गलतियां क्या हुई है, जिन लोगों को पता नहीं है, मुद्दे नहीं पता है, थोड़ा सा बता देता हूं। एसएससी का रिजल्ट लगभग हर साल डिले होता है, किसी भी रीज़न से उसका इस रिजल्ट होल्ड किया जाता है या किसी भी रीज़न से वो री एग्ज़ाम करवाई जाती है, तो किसी ना किसी पद्धति से इस एग्ज़ाम को डिले किया जा रहा है और उसकी वजह से बच्चों के ईयर वेस्ट होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आ रखे हैं, बस उनको पोस्टिंग नहीं मिल पाई है, बिकॉज ऑफ द उनका जो रिजल्ट है या जो उनका फाइनल सिलेक्शन है, उसका केस कोर्ट में चल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों के ईयर वेस्ट होते हैं। तो उन ये एग्ज़ाम में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आए, थोड़ा सा सिक्वेंस सही हो, गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना है। और जो अनाउंस्ड वैकेंसीज हैं, जैसे आप देखिए रेलवे का एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट 2019 में मार्च मंथ में आ गया था, जस्ट बिफोर द रिजल्ट इलेक्शंस, ओके, 19 में इलेक्शंस थे, उनके जस्ट पहले वो रिक्रूटमेंट आया था और उसका एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है। तो एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इन चीज़ों में रखी जाए, क्योंकि उस ऐसा नहीं था कि वो फ्री इसमें रखा गया था, उसकी फ़ी प्रॉपर चार्ज की गई है, ₹500 पर कैंडिडेट, ₹500 कैंडिडेट, और तकरीबन 2.7 करोड़ लोगों ने वो फॉर्म फिल किया है। गवर्नमेंट का जो एक्सक्यूज़ आता है बार बार, वो ये है कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड द वेंडर स्टिल। तो वेंडर डिसाइड करना इतना बड़ा टास्क नहीं है, कई बड़े बड़े वेंडर अवेलेबल हैं, जैसे IBPS खुद अपने आप में इतना बड़ा वेंडर है, TCS है, आप उनके थ्रू भी वो एग्ज़ाम्स करवा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जब हम इलेक्शंस करवा सकते हैं, जब हम बड़े से बड़े IIT JEE के ऊपर इतनी बड़ी बात हो रही है, वो एग्ज़ाम करवाने को गवर्नमेंट एकदम तत्पर है। तो देखो, ये नहीं है, कोई बहस नहीं है कि वो एग्ज़ाम मत करवाओ, ये मत रोक दो, ऐसा कोई हमारा बहस नहीं है। हमारा बस इतना मुद्दा है कि जो एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ी हुई है, स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग अबाउट द न्यू वैकेंसीज, वो ये नहीं कह रहे हैं कि यार कोरोना टाइम चल रहा है, हमें भी समझ है कि इस समय पर वैकेंसी निकलना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जो वैकेंसी 2 साल से 3 साल से पेंडिंग है, उनको सॉर्ट करें, उनके बारे में कुछ करें, क्योंकि बच्चे अपना काफ़ी सारा समय, अपना कीमती समय उसमें लगा चुके हैं। ठीक है ना, आप ये भी नोट कीजिए, कोई बच्चा 2 या 3 साल अगर तैयारी करता है, तो वो अपने लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स वो दे रहा है, जो उसके करियर को मेक और ब्रेक करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी 22 से 25 साल या 27 साल के बीच में बच्चों की होती है, उसी के थ्रू, उसी एनर्जी से वो अपने करियर को, अपने आने वाले फ्यूचर को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा और अपने सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस हैशटैग को फॉलो करें और गवर्नमेंट भी जल्दी से बच्चों की इन चीज़ों पे देखे, एंड इट्स अ सीरियस थिंग,
और ये कोई पेड नहीं है, हर कोई अपने मन से जुड़ रहा है इस आंदोलन के साथ, इस कैंपेन के साथ। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन दैट। मैं मानता हूँ IBPS की एग्ज़ाम भी अभी नज़दीक है, बच्चे तैयारी में लग रहे होंगे, बट यार अपने अगर आप अपने दिन का अगर 10 मिनट भी दे देंगे डेली बेसिस पे, तो आपके काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं, आपके काफ़ी सारे ऐसे मित्र हैं, उनका भला हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग इसको थोड़ा सीरियस लेंगे। इट्स नॉट अ जोक दोस्तों, इट्स नॉट एट ऑल अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग और ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर ये एग्ज़ाम स्ट्रीमलाइन होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिक्रूटमेंट पे पड़ता है। अभी मैं कल परसों मैंने भी ट्वीट किए थे, तो मुझे एक दो रीट्वीट ऐसे दिखे, मतलब जब आई वॉज गोइंग थ्रू द कि क्या चल रहा है, सीरीज़ कैसी चल रही है, लोग किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जब देखा तो मुझे भी लगा है यार कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। तो मुझे कुछ लोगों के ऐसे ट्वीट मिले यार, वो कह रहे थे कि यार आप लोगों को बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, कब तक आप लोग सरकारी नौकरी पे निर्भर रहेंगे, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठने का समय आ चुका है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए भी जो ये सोचते हैं कि यार बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि ये सिक्योर्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। जो भी आप ऐसी थिंकिंग रखते हैं, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने में भी बच्चों को बहुत समय लगता है, वो अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पे देते हैं, ठीक है, और उनको वो परोस के नहीं मिलती है सरकारी नौकरियाँ, उसके लिए भी उनको बहुत कंपटीशन देना पड़ता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो तीन तीन चार चार साल प्रिपेयर करते हैं तब जाके वो एक एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ थाली में परोसी हुई मिली हुई है, दे वॉन्ट सिक्योर जॉब इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं, नो। जिस तरह से किसी पर्सन का एम होता है उसको बिजनेस में कुछ करना है, किसी पर्सन का एम होता है उसको किसी और फील्ड में कुछ करना है, उसी तरह से ये जो बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनका भी वो एम है, उनका भी वो एम है, तभी वो इसकी तरफ आए हैं और इसमें अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा गवर्नमेंट की तैयारी करता है तो वो सेफ जॉब की तरफ जाना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स अपने पास रखें, ऐसे कोई कमेंट इस आंदोलन में ना यूज़ करें। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एकदम लैंग्वेज को बहुत आराम से यूज़ करें, ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी गलत नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसे कमेंट्स या किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करने हैं, ठीक है। ट्वीट करते समय, मैसेज करते समय, फेसबुक पे शेयर करते समय, व्हाट्सअप पे भेजते समय अपनी लैंग्वेजेस का बहुत ध्यान में रखें। अगर आप रफ और वेग लैंग्वेज यूज़ करोगे तो ये जो कैंपेन रन हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, मैं सच में बता रहा हूँ, लोग सीरियस नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज़ का बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है जानबूझ के कुछ फेक चीज़ें करवाई जाती हैं जिससे जो कैंपेन रन हुआ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट जो भी चीज़ें होती हैं उनको डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखें और इसका बेनिफिट सब लोगों को होना चाहिए और ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप ये वीडियो आप लोगों को देखेंगे। जो भी मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक एक ट्वीट ज़रूर करें, डेली करें, आज का स्पेशल नहीं है ये, डेली करना। और ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, हैशटैग आप देख रहे हैं स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, ये ज़रूर यूटिलाइज़ करें, ठीक है। अपने हर ट्वीट में इसको यूटिलाइज़ करें, थोड़ा बड़ा है और इसमें एस का ध्यान में रखिएगा, एस नहीं है। और अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, ट्विटर में सर्च ऑप्शन होता है, सर्च का आपको एक निशान दिखाई देगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा, ये टॉप 1, 2, 3 में दिखेगा आपको, तो ऑटोमेटिकली इस टैब पे भी क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके ट्वीट में ये टैब आ जाता है, ये हैशटैग आ जाता है, आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और आज के दिन इस हैशटैग को यूटिलाइज़ ज़रूर कीजिए। डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया कैंपेन होगा, उसके बारे में हम आपको थ्रू बताते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे हम भी ट्वीट कर रहे हैं और आपको ट्वीट क्या करना है, कैसे करना है, आपको बहुत सारे एग्जांपल ट्वीट मिल जाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी ट्वीट कर रहे हैं, अपने वीडियो रिकॉर्ड करके दे आर पुटिंग ऑन ट्विटर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो अगर आप में भी लगता है कि यार ठीक है यार मैं अपना एक वीडियो अपलोड करके देता हूँ, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहिए। अभी रिक्वेस्ट ये भी है मीडिया वालों से भी है कि मीडिया भी इस चीज़ को देखे, देख रहे हैं कुछ लोग, कल रविश कुमार ने किया है NDTV पे, बढ़िया एक अच्छा उन्होंने एक बनाया। लेकिन अगेन वही बात है यार, सीरियस लेने की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जब तक ये टॉपिक नहीं आएगा तब तक बच्चों को दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जॉइन दिस कैंपेन सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कैंपेन, ओके। तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।